भाई साहब ये देखो क्या क्या हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली। भाई रात कैसी है? रात भाई बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है, क्योंकि रात को तूफान और तूफान अभी भी चल रहा है। एंड जो बारिश हुई है ना रात को, यार लिटरली मैं बता नहीं सकता बारिश कितनी तेज़ हुई है। भाई टेंट देखो, टेंट एकदम ऐसे उड़ने वाला हुआ था। तो अभी निकलते हैं बाहर और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग, अभी मैं हूँ बेस कैंप त्रियुंड के, और बेस कैंप है मेरे पीछे, और यहाँ से भाई मुझे दोनों तरफ का व्यू मिल रहा है। इधर है धर्मशाला और ये है मैकलो, और हम हैं एकदम पीक पे। तो ये जो आप देख रहे हो ना ग्लेशियर पहाड़ ये सामने, भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये कैमरे में भी इतने अच्छे से मतलब कैप्चर नहीं हो पा रहे जितने आप खुली आँखों से देख रहे हो इन्हें। बहुत प्यारा लग रहा है यार। और ये सारा हमने ट्रैक किया है भाई, कल क्या हालत हुई हमारी ट्रैक करने में, लिटरली बता रहा हूँ। मज़ा भी बहुत आया, ऊपर से बारिश भी थी, वेदर भी बहुत ख़राब था। और वेदर कब ख़राब हुआ? जब हमने ये वाला पार्ट किया, यहाँ पे एकदम मतलब पत्थर ही है टोटली। और ये जो ट्रैक है ना, जो नीचे शुरू होता है बक्सू से, भाई ये सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक है, और हमने यही वाला ट्रैक किया जो सबसे पहला ट्रैक है। बाकी एक ट्रैक और है जो धर्मकोट वाली साइड से आता है, वो कहते कि मतलब लॉन्ग है, मतलब रास्ता काफ़ी घूम के। तो मैं अब आपको ना हाइट बताता हूँ कि ये जो त्रियुंड बेस कैंप की हाइट है ना, ये नियर अबाउट है 2875 मीटर फ्रॉम सी लेवल। बहुत होता है भाई, बहुत हाइट पे है, मतलब 2875 मीटर्स वो हमने पैरों से की। ऐसा लग रहा हमारी आर्मी ट्रेनिंग हो रही है। आज यहाँ रुके, कल ग्लेशियर पे रुकेंगे, परसों और आगे जाएंगे, फिर स्नो लाइन करेंगे। बढ़िया यार। और ना ऐसे मतलब जो स्पिरिट के साथ जो हमारे आर्मी और जितने भी ग्लेशियर पे जिनकी ड्यूटी लगी इतनी हाइट पे, भाई उनको दिल से सैल्यूट है, कसम से। बहुत यही किया ना हमारे लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो कहाँ कहाँ ड्यूटी करते होंगे यार। ये हमारा बेस कैंप है भाई, यहाँ पे हम रुके थे। एंड लुक, ये वो पहाड़ है जहाँ हमने जाना है। हाँ, ये वो पीक पे जाके ना वहाँ से और क्लियर दिखेंगे। बड़ा ज़बरदस्त जिगरा है भाई, और एक ना कीड़ा और एक जिद ये भी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो मतलब व्यू पॉइंट है ना वहाँ पे जाने के लिए ना भाई दम चाहिए। और वो रहा बेस कैंप, वो डीप एकदम। और अभी भाई मैंने किंग को बोला हमने ऊपर जाना है, वो जो लास्ट देख रहे हो बस वो लास्ट पीक है, वहाँ पे एंड है, वहाँ पे एक आपको व्यू बताना है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। और मौसम भी भाई देखो, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि पहले पहले हम जल्दी से शूट कर लें और फिर वापस नीचे आ जाएं। मेहनत करते हैं यार, इसीलिए व्लॉग पूरा देखा करो। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआ, भाई इधर सेम है, बट इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, और बीच में ट्रैक है, और वो रहा थोड़ा सा रह गया बस। काफ़ी देर मैंने आधा घंटा यहाँ पे वेट कर लिया, बट यार वो लगता है मेरे को फिर से आना पड़ेगा, एंड फिर से वो एक बार ट्रैक करेंगे, तब आएंगे हम धर्मकोट वाली साइड से। अभी हम इधर से आए थे ना, तब धर्मकोट वाली साइड से आएंगे, फिर हम आपको ग्लेशियर दिखाएंगे और स्नो लाइन भी बता देंगे भाई उस साइड से। लेकिन अभी सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से हमें नीचे जाना पड़ेगा, मौसम हो रहा है ख़राब, रेड अलर्ट है यहाँ पे। तो चलते हैं अब नीचे और मैं आपको मिलता हूँ सीधे बेस कैंप। हिमाचल को ना ऐसे ही देवों की भूमि नहीं कहते। हम इतने ऊपर ट्रैक पे आए हैं, और भाई यहाँ पे जो मंदिर है ना, और मंदिर देख के जो दिल में खुशी और एक अच्छी सी वाइब आई है ना भाई, बहुत मज़ा आया। ये मंदिर है यहाँ पे, और देखो यहाँ से सीधा नज़ारा देखो नीचे का, और वो रहा अपना बेस कैंप। वो बेस कैंप है,
एंड वो भाई धुंध में ही छुप गया कि कहाँ से मैं नीचे आया हूँ। अभी बेस कैंप ये नीचे उठा दिया, अब नीचे जाने की तैयारी हो गई है। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ऊपर इतनी हार्ड ट्रैकिंग करने के बाद ना एकदम पीक पे गया था मैं, यहाँ से अब नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। और क्या सिनेरियो था वहाँ का, अल्टीमेट था। और उसके बाद जो भूख लगी ना, और ये खाना भाई घर की याद आ गई अब तो, सच्ची बोल रहा हूँ बहुत टेस्टी है। आलू पूरी और साथ में अचार दिया है हमारे यहाँ पे जो हमारे भाई साहब हमें लेके आए ऊपर ट्रैक तक। तो अभी मैं खाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा वाओ अमेजिंग। तो भाई ये था हमारा प्यारा त्रिउंड बेस कैंप जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। रात को तूफान भी था भाई, बारिश भी थी, और कैंप के अंदर हमने काफ़ी फ़न भी किया था और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे मुनीश भाई ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था हमें, यहाँ का हॉस्पिटैलिटी सिस्टम बहुत बढ़िया लगा भाई। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर लेना, मुनीश भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको यहाँ पे ट्रैक भी करवा देंगे अच्छे। और स्नो लाइन तक भी अगर आपने ट्रैक करना तो ईजिली वो आपको करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अभी ना मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला मतलब फोग हो गया। तो अभी जैसे हम निशान देख के जैसे हम ऊपर आए थे, तो वैसे ही सेम निशान आपको एरो मिल जाएंगे, और ये एरो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बस ये कि आपको अपने नियर बाय नज़र रखते हुए चलना है नीचे। बस ये है वे टू बक्सू, तो यहाँ से अब जाएंगे हम नीचे। गुड़ चना खाया था? ओ मैन, हाउ आर यू? फाइन, गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। रशिया, ओके ग्रेट, हैव अ सेफ जर्नी। Yep. तो लगेज करने वाले वाहन हमें मिल चुके हैं, यहाँ पे तीन वाहन खड़े हैं, और ऐसे लगेज जाएगा भाई ऊपर खाने पीने का सामान, तभी रेट भाई ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है यार, इतना तो अगर इतनी हाइट में आपको सब कुछ मिल रहा है तो वर्थ इट है यार, सही है। इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है यार, लूट नहीं है, आप कह नहीं सकते कि लूट है, ऊपर लूट नहीं है। जो इचिंग वाला बता रहे थे ना भाई, वो ये ऐसे होती लीव्स, ऊपर छोटे 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 इनके कांटे लगे हुए हैं, अगर ये आपके गलती से भी हाथ पे या किसी स्किन पे टच हो गया ना, तो भाई आपको अच्छी वाली यहाँ पे ना खारिश मिलेगी करने। टीचिंग इतनी ज़्यादा होगी ना कि आप पागल हो जाओगे भाई, इतना देख लिया ना आपने, ये सारी वैसी जड़ी, सारी वैसी जड़ी लगी हुई है। एक तो भाई इनसे दूर ही चलना, और जब भी आप ट्रैक कर रहे हो ना, तो जो नीचे है ना लोअर, वो तो फुल्ली पहनना, कभी शॉर्ट्स में मत करना, आपको पता नहीं कौन सी ली आपके पैर में लग जाएगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। केयरफुली ट्रैकिंग करो यार, जंगल एरिया एकदम अब फिर से शुरू हो गया है। एंड ह्यूमिडिटी यार, यहाँ पे गजब की ह्यूमिडिटी मिल रही है, गर्मी यहाँ पे भाई ताबड़तोड़ है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और अब नीचे चलते वाटरफॉल पे, कैमरा ऑन करेंगे। तो भाई अभी हम आगे हैं नीचे, तो इधर है ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बक्सू वाटरफॉल की तरफ, एंड जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है शिवा कैफ़े की तरफ। तो अभी हम जाते हैं शिवा कैफ़े, देन वहाँ से हम नीचे उतरेंगे, फिर जाएंगे सीधा अपनी बाइक पार्किंग की तरफ, और थोड़ा सा खाते पीते मस्ती करते चिल करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं आगे। शिवा कैफ़े वाटरफॉल, भाई साहब मस्त। ऊपर से झरने की आवाज़, बाहर फॉग है, इधर ठंडा है, पठानकोट गर्म है, वापस गर्मी में जाना है, मन नहीं कर रहा जाने का, सोच रहा हूँ यहीं किसी से, नहीं कुछ नहीं ऐसा वैसा, बाकी चलो अभी आगे चलते हैं। तो भाई हम आ गए अभी नीचे एकदम जहाँ पे हमने हेलमेट रखे थे, अब वहाँ पहुँचने वाले हैं, और हेलमेट अपने बैग लेके हम निकलेंगे सीधे अब पार्किंग की तरफ, वहाँ से अपनी बाइक लेंगे और राइड शुरू करेंगे कहाँ, सीधे घर को। थे अभी अलविदा, एंड बहुत मज़ा आया, थैंक यू ब्रदर हमें ट्रैक करवाने के लिए, थैंक यू बॉबी भाई, आप भी बहुत अच्छे से चले। अगली बार सच्ची भाई मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैंने आपको पीछे कर दिया। एक जगह में तो आप आगे हुए थे, बहुत आगे चले गए थे, मज़ा बड़ा आया, मज़ा बड़ा आया। करने के बाद फाइनली हम अपनी बाइक के पास पहुँच गए हैं, और ये खड़ी अपनी बाइक, भाई इसको देख के ना जान में जान आ गई, मज़ा आ गया इसको देख के। अब निकलते हैं इस पर सवार होके।